शोभा यात्रा ये दिखाती है कि संपूर्ण विश्व राम की सत्ता को, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके लिए वो कहे जाते हैं, उस भावना को मानते हुए एकत्र होकर के आज रामलीला को जो है 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर जो है वो मिल रहा है, जहाँ उनकी स्थापना हुई है और अब उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए सारे शिमला की जनता इकट्ठी हुई है। ये पहली बार है कि शिमला की हर एक धार्मिक सामाजिक संस्था इकट्ठे होकर के जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रही है और 22 तारीख को भी इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के आम जन जो है वो इसमें जो है वो भागीदार बनेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमने जब कार सेवा में गए थे तब ये सोचा नहीं था कि हमको जो है वो दिन देखने को मिलेगा जब रामलीला विराजमान होंगे। हम जरूर नारे लगाते थे कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम रामलीला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं था। आज जो है वो स्वप्न साकार हुआ है, जब राम मंदिर भव्य जो है वो अयोध्या में बन करके तैयार हुआ है और रामलीला के मंदिर में जो है विराजने पर मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुख्य यजमान के रूप में करने वाले हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। हम कृपा है जी, जनमानस जुड़ रहा है, हर आदमी के मन में राम की धुन लगी हुई है और सब इकट्ठे यहाँ पे दिख रहा है, माता के शीश नवाया है और जहाँ से आप ठाकुर जी के जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, उसके बाद राम मंदिर में संपन्न करेंगे अपना कार्य। पूरा नगरी जो है वो राम के नाम से सजी हुई है, हर आदमी ने अपनी प्रकार से जो अपनी दुकानें सजाई हैं, संस्थाओं ने, व्यापार मंडल ने, रोटरी ने, अपने स्वामी नारायण मंदिर ने, सब ने, जितने भी मंदिर हैं 51 मंदिर हैं, सब एक ही पटल पे हैं, सब इकट्ठे चले हुए हैं। सबके हृदय में यही है कि जो हमारे जनमानस के जो राम जी हैं उनका जो है अलख जो है अयोध्या तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।